सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इंस्पेक्टर अजीमुल्लाह मीट चौक की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस ने कल शब चंपापेट के इलाके में ड्रंक एंड ड्राइव का अहतमाम किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर अजीमुल्लाह ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि ड्रंक एंड ड्राइव के तहत मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसके तहत नशे की हालत में गाड़ी चलाने और ट्रिपल ड्राइव करने और स्पीड ड्राइविंग के तहत मुख्तलिफ अशखास को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर हाई कोर्ट के हिदायत के मुताबिक चालानात को आयद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। मैं हसीबुल्ला, इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीर चौक। आज 9 बजे से, रात के 9 बजे से 11 बजे तक चंपापेट MNR गार्डन के पास व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव, स्पीड ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग, डेंजरस ड्राइविंग, जो भी पकड़े गए उनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस बुक करके, और जो भी ड्रंक एंड ड्राइविंग में पकड़े गए एज़ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, जो भी चला रहे हैं शराब पी के, अगर उनके पास ओरिजिनल RC है और पीछे जो बैठे हुए हैं उनके पास अगर लाइसेंस है, तो गाड़ी पीछे बैठे हुए लाइसेंस होल्डर को देकर गाड़ी यदि उसी वक्त रिलीज़ की जा रही है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट लाने के बाद हाईकोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से गाड़ी को रिलीज़ किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि वो शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट्स हैदराबाद और तेलंगाना में शराब पीने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने ये ड्रंक एंड ड्राइव स्पेशल ड्राइव स्टार्ट किया है,